हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? थैंक यू फॉर सपोर्ट। आज मैं लेके आई हूँ कुछ एक्टिविटीज़ उन बच्चों के लिए जो कि कोरोना की वजह से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, ना स्कूल जा पा रहे हैं और घर में टीवी और मोबाइल पे ही बिजी हैं। तो उनके लिए कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनसे थोड़ा ब्रेन डेवलपमेंट होगा, लर्निंग होगी और फन होगा। तो आइए चलो देखते हैं। ये देखिए, मैंने थंब प्रिंटिंग करके करने के लिए दे रही हूँ मैं अपने बेटे को। मेरा बेटा 3 साल का है तो वो वाटर कलर नहीं करता है, तो मेरे घर में होली के कलर थे, मैंने उसी में थोड़ा पानी मिलाया और ये सन बना के दिया और उसे कहा कि थंब प्रिंटिंग करो। तो वो मेरा बेटा थंब प्रिंटिंग कर रहा है और काफ़ी इन्जॉय कर रहा है। वो तो आपको दिख ही रहा होगा कि कैसे कर रहा है इन्जॉय। आप भी अपने बच्चों को ऐसा दीजिए बना के, ताकि वो घर पे बोर ना हो, कुछ लर्न भी करें, फ़न भी करें, इन्जॉय भी करें। बच्चों को ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, उसने इस पूरे सन पे कलर कर दिया है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मैंने उसे लेडी फिंगर जो दी कट करके बीच में से और उस पे कलर करने के लिए दिया, तो वो काफ़ी इन्जॉय कर रहा है, इसको काफ़ी खुश है करते हुए। और देखो, आप भी अपने बच्चे को ऐसा दीजिए ताकि वो खुश रहें और आप उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। देखो कितना अच्छा फ्लावर बना दिया है मेरे बेटे ने। अब मैंने उसे थ्रेड प्रिंटिंग कराया है, तो उसको इसे करने में तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, तो इसलिए वो बार बार मुझसे कह रहा था कि बार बार मुझे इसमें कलर लगा के दो ताकि मैं बार बार ऐसा करूं। तो फिर मैं उसे बार बार कलर देती हूं और ये बार बार ऐसी ड्राइंग बना रहा था, काफ़ी इन्जॉय कर रहा था। अब मैंने उसको ये ड्राइंग बना के दे दी है, बैट और बॉल, इसमें वो कर रहा है कलर। कलर करना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है और कितना बिजी होके और काम कर रहा है वो। मेरे को अच्छा लग रहा है कि उसने टीवी छोड़ के वो इसमें कलर कर रहा है। और इसके कई फ़ायदे भी हैं, एक तो उसका ब्रेन डेवलपमेंट होगा और उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ेगा कि कलर बाहर ना निकले, और बच्चों को कलर कराना ही चाहिए। और जिस तरीके से उसने कलर पकड़ा है, उससे उसको जो पेन पेंसिल कलर कुछ भी है उससे पकड़ने की ग्रिप उसकी काफ़ी अच्छी बन गई है, क्योंकि मैं डेली उससे कुछ ना कुछ कराती रहती हूँ, कभी कलर कभी राइटिंग। आप भी अपने बच्चे से कराइए, उसकी पकड़ने की जो स्किल है कलर की, पेन पेंसिल की, तो वो अच्छी हो जाएगी थोड़ी। देखो इन्जॉय कर रहा है कलर करते हुए और कोशिश कर रहा है कि बाहर ना निकले, और उसने कलर कर दिया और काफ़ी कम ही उसका बाहर निकला है। अब मैंने उसे स्पंज की मदद से ये फ्लावर बनवाया, तो उसने ये वाली प्रिंटिंग तो बहुत ही अच्छी की थी, फादर्स डे में बनाया था उसने अपने फादर के लिए। आप ये भी अपने बच्चे को दे सकते हैं। देखो, बर्ड से मैंने डॉट वाली प्रिंटिंग भी कराई है, इसमें भी उसको बहुत अच्छा लग रहा था ये छोटी छोटी बिंदियाँ बनाने में। मैंने उसको पेड़ बना के दे दिया था और बोला इसमें डॉट डॉट करके ये फूल बनाओ, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था, वो कर रहा था। और आप भी अपने बच्चे को ऐसा दे सकते हैं, वो काफ़ी इन्जॉय करेंगे और थोड़ा उनके साथ टाइम भी स्पेंड कीजिए और थोड़ा उनको लर्न भी कराइए। ये देखिए, अब मैंने उसे ये शेप सिखाई है बनानी भी, और लर्न भी मैंने ऐसी तरीके से उसको कराया है। बेसिक शेप्स मैंने उसको पहले ही स्कूल जाने से पहले ही मैंने उसको सिखा दी थी इस तरीके से। ये देखिए, मैंने बनाया है ट्रायंगल और सर्कल उसका फेस, और स्क्वायर और रेक्टेंगल की मदद से उसके हाथ पैर बना दिए मैंने। और ये मैंने अपने बच्चे को ऐसे करके समझाया है उसको, और वो बहुत अच्छे तरीके से अब समझ लेता है कि ये कौन सी शेप है। अब मैंने उसको बता दिया कि कौन सी शेप में कौन सा कलर करना है, तो वो कर रहा है। पेरेंट्स ही अपने बच्चे की जो नींव है पढ़ाई की, वो अच्छे ढंग से रख सकते हैं, करा सकते हैं। बाहर कोई ट्यूशन वाला इतना अच्छा नहीं पढ़ा सकता है बच्चे के स्टार्टिंग के डेज़ में, जितना कि पेरेंट्स पढ़ा सकते हैं। इसलिए अपने बच्चों पे ध्यान दें। और आजकल तो वैसे भी लॉकडाउन है, मोस्टली घर पे ही होंगे, तो इस तरीके से उनकी फ़न भी हो जाएगा, लर्निंग भी हो जाएगी, और आपको भी अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने का
स्पेंड करने का टाइम मिल रखा होगा और बच्चों को भी अच्छा लगेगा। ये देखिए, पेरेंट्स को ही अपने बच्चे को पढ़ाना चाहिए, और 1 से 5 साल तक के बच्चों का तो वैसे भी डेवलपमेंट 50% से भी ऊपर शायद हो ही जाता है। तो अगर छोटे बच्चों को आप खुद ही पढ़ाएं घर पे तो बहुत अच्छा होगा। स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो हम ही पढ़ा सकते हैं, पेरेंट्स लोग ही बच्चे को। ये देखिए कितना अच्छा जोकर बना दिया है। अब मैंने उसको ABCD लिख के दे दी है, 1, 2, 3, 10 तक काउंटिंग लिख के दे दी है, और अ से लेकर आ तक लिख के दे दिया है मैंने उसको। मैंने उसको स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन कुछ नहीं दी स्टार्टिंग से, बस मैंने डेली उसको ये ज़रूर देती हूँ, वो लिख लिख के उसको लिखना आता है, इसीलिए इतना ईजिली से वो लिख रहा है। इसके ऊपर आपको बताने के लिए मैंने उससे ये लिखवाया है कि लिखिए। आप भी अपने बच्चे को ऐसा दे सकते हैं। अब वो अल्फ़ाबेट को रिकॉग्नाइज कर सकता है कौन सा क्या अल्फ़ाबेट है, और ईजिली वो राइट कर पा रहा है सारे अल्फ़ाबेट्स को। जब वो 1 साल का भी नहीं हुआ था तो ईजिली लोकल मार्केट में 30-40 रुपीज़ की बुक मिल जाती है, मैं उसे बार बार पढ़ाती थी। इससे ओरल तो उसको सारा आता है, लिखना भी उसको इतना जो मैंने लिखा है उतना आता ही है अभी। अगर इसका स्कूल खुल जाता तो और लर्निंग हो जाती, लेकिन स्कूल नहीं खुल रहे हैं अभी कोरोना की वजह से, तो हम अपने बच्चों पे थोड़ा ध्यान देंगे तो काफ़ी कुछ सीख जाएंगे। ऐसे आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। ये देखिए ऐसे आप। तो दोस्तों देखा आपने, मैंने अपने बच्चे को कैसे बिजी रखा है। मैं कुछ ना कुछ उसे कराती रहती हूँ, आप भी अपने बच्चे से कुछ ना कुछ कराते रहिए और उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।